चांडिल के छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी। डीएमपीएस स्कूल में पढ़ाई करने वाले इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को एक्सपर्ट शिक्षकों द्वारा दी जाएगी शिक्षा। चांडिल प्रखंड के हुमिद स्थित दयावती मोदी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करने वाले इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को एक्सपर्ट शिक्षकों द्वारा विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाएगी। स्कूल परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल संपा बनर्जी ने जानकारी दी कि सीबीएसई मान्यता प्राप्त दयावती मोदी पब्लिक स्कूल में इंटरमीडिएट के बच्चों को एक्सपर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रिंसिपल ने कहा कि समय की मांग और जरूरत को देखते हुए प्रबंधन की ओर से यह निर्णय लिया गया है। डीएमपीएस पिछले 26 वर्ष से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं तकनीकी शिक्षा देने का काम कर रही है। अब एक्सपर्ट सुविधा के तहत जमशेदपुर के अनुभवी शिक्षकों को नियुक्ति किया गया है। अनुभवी शिक्षकों द्वारा इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को गणित, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष क्लास कराया जाएगा। दैनिक कक्षाओं के अलावा उपरोक्त विषयों की अलग से तैयारी कराई जाएगी। प्रिंसिपल संपा बनर्जी ने बताया कि इन दिनों स्कूल में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को अलग से बाहर कोचिंग करना पड़ता है, लेकिन डीएमपीएस में एक्सपर्ट क्लास की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बाहर कोचिंग करने की जरूरत नहीं होगी। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए चांडिल से सुमंगल कुंडू की रिपोर्ट। संपा बनर्जी, प्रिंसिपल दयावती मोदी पब्लिक स्कूल चांडिल। मैं पेरेंट्स को ये संदेश देना चाहते हैं आप लोग के थ्रू से, मैं इस बार से स्कूल में क्लास 11 एंड 12 के लिए एक्सपर्ट क्लासेस शुरू किए हैं, जो कि हफ्ता में 3 दिन एक्सपर्ट्स आएंगे और बच्चों को मोटिवेट करेंगे, प्लस उन लोगों को कोचिंग देंगे जो कि बच्चे आगे बढ़ सके। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि बच्चे इसको समझे, माइग्रेट ना करें। स्कूल से निकल के अगर बाहर जाते हैं बच्चे डिरेल्ड हो जाते हैं, जाके उन लोग समझ नहीं पाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ जो फैसिलिटी दे रहा है, लैबोरेटरी फैसिलिटी, एक्सपर्ट क्लास फैसिलिटी और अपना ओन टीचर्स, उन लोग भी उनको गाइड कर रहे हैं, तो इन लोग और सेल्फ, सबसे बड़ी बात है सेल्फ स्टडी, और प्लस इसके साथ अगर बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे तो यही बच्चे अपना विकास कर पाएंगे, अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। यही संदेश मैं देना चाहूँगा।